लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अंजना ने शहर में आयोजित बूथ स्तरीय संवाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कार्यकर्ताओं ने इस बार जीत तोड़ कर मेहनत की है और मैं इस मेहनत से मुझे आत्मसंतुष्टि मिली है। शहर की एक निजी वाटिका में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने भी यह कहा कि विधानसभा में हुई कांग्रेस की हार से विचलित नहीं होना है, बल्कि पूरे जोश के साथ कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवा कर चुनाव जीतना है। सम्मेलन को पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह झाड़ावत ने भी संबोधित किया। झाड़ावत ने कहा कि जिसने बूथ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया, इसलिए कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने के लिए जी जान लगानी है। सम्मेलन में विधानसभा चुनाव संयोजक नगेंद्र सिंह राठौर, सभापति संदीप शर्मा, नगर अध्यक्ष अनिल सोनी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विक्रम जाट, जिला प्रवक्ता महेंद्र शर्मा आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? शानदार रिस्पांस मिल रहा है। लोग को चेहरे पर जो बात करते समय आत्मविश्वास लगता है, उससे लगता है कि निसंदेह उनका मन कांग्रेस को वोट देने का, मुझे आशीर्वाद देने का बना लिया। ऐसे क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं जनता के? मुद्दे ही मुद्दे हैं, जितने मुद्दे गिना उतने कम है। लोग बेरोजगार है, परेशान है, किसान अफीम के किसान सबसे ज़्यादा दुखी हैं, दूसरे किसान भी दुखी हैं, महंगाई की मार है, भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। नेता लोग केवल टीवी पे और इस पे दिखते हैं, कहीं 10 साल में कहीं शक्ल नहीं बताई, ये सभी मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक मुद्दा सर ये भी आ रहा है सामने कि अगर मोदी सरकार वापस आई तो टोटल जो आपके अफीम के बैठे हैं CBS में चले जाएंगे, तो कहाँ तक क्या है, आप क्या मानते हैं? ये तो किसान स्वयं ही महसूस कर रहे हैं कि वो तो फिर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वो जैसी पद्धति लागू करेंगे, चाहे वो किसानों के हित की हो या अहित की हो, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तो CPS पद्धति का तो विरोध हो ही रहा है, और इसको शुरू करने के लिए तो इसको शुरू किए, अगर फिर मत मिल जाते हैं इनको तो लोग वही सोचेंगे, लोग इस स्कीम को पसंद कर रहे हैं, देखिए इसलिए और ज़्यादा सख्ती से लागू करेंगे। सर भीषण गर्मी, 40 डिग्री तापमान चल रहा है, लगता है आपको मतदाता अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे? लोकतंत्र के प्रति लोगों में आस्था है, पूरी ताकत के साथ निकलेंगे। और वैसे भी हम तो मजदूर और खेतीहर आदमी हैं गांव में, तो इसका कोई असर ज़्यादा है नहीं, दिन भर खेतों में काम करते रहते हैं। तो वोट के दिन तो और आनंद से काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिशत बढ़ेगा। मैं इस मामले में सुबह की सारी रहा कि मेरा टिकट जल्दी फाइनल हो गया था, तो आज 1 महीना और 10 दिन हो गए मेरे को फील्ड में घूमते हुए। मैंने समस्त पंचायत मुख्यालय पूरे कर लिए हैं, सब नगर पालिकाएँ पूरी कर ली है, नगर परिषद हो गई है, तो करीब करीब सभी पूरा हो गया। अब कोई काम शेष नहीं रहा, अब तो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ये मीटिंग आयोजित की। भाजपा शासन के 10 साल के कार्यकाल, गाँव में क्या मैसेज मिला आपको? मुझे जो समर्थन मिल रहा है वो इनके 10 साल के कार्यकाल की वजह से ही मिल रहा है। लोगों को महसूस हो गया कि हाथी के दांत बताने के और होते, खाने के और होते। 10 साल तक जिन वादों के भरोसे जनता बैठी रही, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए लोग अपने आप कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं, और मेरे से तो व्यक्तिगत लगाव रखते हैं, इसलिए मुझे समर्थन दे रहे हैं।